हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिट क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या क्वेश्चन है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का मैंने आपको कराया था, क्या होता है कि पी ऑफ ई हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, सॉरी 0 होता है, और लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 टू 1 के बीच में लाई करेगी। आया समझ में इतना? अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स है प्रोबेबिलिटी के वो कवर किया है। अब ऑप्शन कौन से है? 2/3। तो 2/3 करोगे तो ये क्या आएगा, 0 point something आंसर आएगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब ये माइनस में, तो मैंने क्या बोला कि जो भी प्रोबेबिलिटी हो किसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये यहाँ पे माइनस है तो ये ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन है। अब ये चेक करोगे तो 15 है, तो अब ये परसेंटेज मतलब क्या कि 15/100, तो ये क्या आएगा, 0.015, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, 0.7, तो वो भी 0 के बीच में लाई करता है, 0 के अंदर, मतलब ये क्या है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, -1.5। मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। तो इफ पी ऑफ ई इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ नॉट ई। अब पी ऑफ नॉट ई को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, वो भी मैंने आपको कराया है। तो उसका क्या सम होता है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या होता है, 1। क्या होता है, इक्वल टू 1। तो यहाँ ये हमको फाइंड करना है, तो पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या होगा, 1 - P(E). आया समझ में? तो ये 1 - P(E) कितना दिया हमको, 0.05। तो पी ऑफ नॉट ई क्या होगा, 0.95। क्या होगा, 0.95। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन 6। तो एक क्वेश्चन 6 है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज। क्या दिया है, लेमन फ्लेवर कैंडीज, और दिया है ओनली, क्या दिया है, ओनली मालिनी टेक्स आउट वन ऑफ द कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है तो वो लिखेंगे हम, तो नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज कैंडी ऑरेंज कैंडी तो वो कितनी है, 0। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ई इक्वल टू टोटल कैंडी कितनी है, टोटल कैंडी, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली एंड मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट टेकिंग इन टू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडी नहीं दिया है, लेकिन आपको वो तो पता है कि सिर्फ लेमन कैंडी है, तो मतलब अगर ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये कौन सा हुआ, एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अब उसने पूछा है ए लेमन फ्लेवर कैंडी, तो लेमन सभी की कौन सी है, लेमन है। अब उसने पूछा लेमन फ्लेवर कैंडी, तो उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी, इक्वल टू 1। क्या होगी प्रोबेबिलिटी, इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट का आंसर है और ये सेकेंड का आंसर है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। तो ये हुआ इम्पॉसिबल इवेंट और ये हुआ श्योर इवेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। If a given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. तो क्या दिया हमको ये P of not E, मतलब probability of getting 2 birthday or not, मतलब same day के ऊपर probability ना ही, उसकी क्या दिया हमको 0.992। अब हमको पूछा क्या है, what is the probability that 2 students have the same birthday? तो वो क्या होगा, probability of getting any event, तो वो हमको फाइंड करना है। अब मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, पी ऑफ गेटिंग इवेंट प्लस पी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट, वो इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1। तो हमको क्या फाइंड करना है, पी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, तो क्या होगा, पी ऑफ ई इक्वल टू 1 - P(E). अब हमको दिया क्या है पी ऑफ नॉट ई, वो हमको दिया है 1 - ये दिया है 0.992। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.008 होगा। क्या होगा, 0.08, मतलब 2 जन की सेम बर्थडे आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.008। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेंट्स ऑफ 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स
ए बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। तो सबसे पहले हमको रेड बॉल कितने दिए, तो रेड बॉल इक्वल टू कितने दिए हमको, 3 दिए। अब ब्लैक बॉल कितने दिए हमको, ब्लैक बॉल इक्वल टू 5। तो टोटल बॉल कितने होंगे, टोटल बॉल इक्वल टू क्या होगा, 3 + 5 इक्वल टू क्या होगा, 8। मतलब टोटल आउटकम कितने हैं, 8 है हमारे पास। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो क्या होगा, टोटल रेड बॉल कितने हमारे पास, 3, और हमारे पास टोटल बॉल कितने हैं, 8। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास, रेड का पूछा है हमको, तो वो कितने हैं, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इक्वल टू 3/8। अब हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। तो आप क्या करो, ऐसा भी कर सकते हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ये करके भी कर सकते हो, या आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नॉट रेड बॉल, वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। अब हमको ये वैल्यू हमारे पास पता है, हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये किधर जाएगा, राइट हैंड साइड, तो ये प्लस में, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस। तो पी ऑफ नॉट रेड बॉल इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, तो होगा 1 माइनस पी ऑफ रेड बॉल। गाइस हमें, तो पी ऑफ रेड बॉल हमने फाइंड किया हुआ है, वो क्या है, 3/8। तो यहाँ पे 3/8। अब हम एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा, 8 ऊपर आएगा, मतलब 8 - 3/8, तो क्या मिलेगा हमको, 5/8। क्या मिलेगा हमको, 5/8। अब ये दोनों को आप ऐड करोगे, 5/8 + 3/8 करो, 3/8 + 5/8 इक्वल टू क्या होगा, 5 + 3 क्या होगा, 8। तो 8/8 क्या होगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज ऑलवेज 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1। ये मैंने प्रूव करके बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे।